टीवी मिथिला में मैं हूँ सीमा झा। नजर डालते हैं आज के विशेष खबर पर। पूर्व मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने स्पेशल ट्रेन से जयनगर समस्तीपुर रेल प्रखंड को औचक निरीक्षण किया। वही निर्धारित समय पर जीएम स्पेशल ट्रेन जयनगर प्लेटफॉर्म पर लगते ही रेल महाप्रबंधक ने नेपाली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने स्पेशल ट्रेन से जयनगर समस्तीपुर रेलखंड का औचक निरीक्षण किया। निर्धारित समय पर जीएम स्पेशल ट्रेन जयनगर प्लेटफॉर्म पर लगते ही रेल महाप्रबंधक ने नेपाली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान नेपाल रेल निर्माण एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अलावा आला अधिकारी भी मौजूद थे। जीएम ने संभावित नेपाली रेल परिचालन को लेकर प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्टर लगाने के लिए चल रहे कार्यस्थल का जायजा लेने के बाद इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यालय में निर्माण एजेंसी व रेलवे के अधिकारियों के साथ घंटों बैठक चली। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद जीएम ने जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित वॉशिंग पीट व कोचिंग कॉम्प्लेक्स स्थित डिपो का औचक निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ जीएम ने जयनगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म एसएम कार्यालय समेत अन्य जगहों का निरीक्षण किया। नेपाली ट्रेन परिचालन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उसी का तो प्लानिंग किया जा रहा है, उम्मीद है कि नेपाली ट्रेन का परिचालन शीघ्र शुरू हो जाएगा। चालू होने की अभी तक संशय की स्थिति है सर? अभी हम वही प्लानिंग कर रहे हैं, जैसा भी आगे कंफर्मेशन होगा आपको। 2 तारीख को श्योर नहीं है सर? नहीं नहीं, प्लानिंग है। प्लानिंग क्या होता है? उसी की तैयारी वही होता है, उसी की तब प्लानिंग करके ही सब डिसाइड होता है। अब उसी के सब आप देख रहे हैं, तैयारी होगी, जैसा होगा फर्दर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. स्टेडियम में खेले जा रहे प्रमंडलीय मीडिया कप के अंतिम लीग मैच में बे मीडिया की टीम ने रिस्ट ऑफ मीडिया की टीम को 9 विकेट से पराजित कर दिया। इसके साथ ही बुधवार को होने वाले दोनों सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीमों का शेड्यूल तय हो गया है। दरभंगा शहर के नागेंद्र झा स्टेडियम में खेले जा रहे प्रमंडलीय मीडिया कप के अंतिम लीग मैच में बे मीडिया की टीम ने रिस्ट ऑफ मीडिया की टीम को 9 विकेट से पराजित कर दिया। इसके बाद ही बुधवार को होने वाले दोनों सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीमों का शेड्यूल तय होगा। बुधवार को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में सुबह 7 बजे राष्ट्रीय सहारा का मुकाबला रिस्ट ऑफ मीडिया की टीम से होगा। वहीं दूसरी ओर सेमीफाइनल में सुबह 10 बजे बे मीडिया की टीम का मुकाबला दैनिक भास्कर से होगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता टीमों के बीच 1 अप्रैल को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मिथिलांचल में मोटरसाइकिल एवं स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की टीवीएस मोटरसाइकिल भटियारी सराय दुनार दरभंगा एवं हायाघाट। India's first and only pure platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI and ET FI. जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race tuned FI and ET FI. जो दे बेटर रियल थ्रॉटल स्पीड। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन। विक्की टीवीएस दरभंगा के द्वारा विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन के खरीद पर सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियरों के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर 15% ज्यादा माइलेज के साथ, लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी उपलब्ध। आए हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को अपने घर ले जाएं। ग्राहकों की सुविधा हेतु हमारा पता है विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। दरभंगा शहर के जीएम रोड के पीड़िता को मिली सहायता राशि, जिलाधिकारी ने दिए 1-1 लाख रुपए का चेक। जीएम रोड के पीड़िता को मिली सहायता राशि, जिलाधिकारी ने दिए 1-1 लाख रुपए का चेक। दरभंगा शहर के जीएम रोड अग्निकांड की पीड़िता निक्की झा एवं रीता झा को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिलाधिकारी राजीव रौशन के कर कमलों से 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।
वही निक्की झा को उसकी बहन की मृत्यु एवं रीता झा को उसके बेटे का मृत्यु अग्निकांड में हो जाने के कारण विधि सेवा प्राधिकार की ओर से सहायता राशि प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं अंचलाधिकारी सदर उपस्थित थे। मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपये का चेक देखे गए हैं और आगे बोले कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा और बोले कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं हमको मतलब मेरी दीदी केंद्रीय सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समस्त केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। 28 से लेकर 29 मार्च तक 2 दिवसीय हड़ताल कार्यक्रम के तहत देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को कई संगठनों के लोग मंगलवार को सड़क पर उतर कर किया प्रदर्शन। धरना स्थल मैदान से लेकर कमिश्नरी कार्यालय IG कार्यालय समरणालय लोहिया चौक सहित कई सड़कों से प्रदर्शनकारी गुजरी। लहरेसराय टावर चौक को चारों तरफ से किया जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों का ये राष्ट्रीय हड़ताल है। राष्ट्रीय हड़ताल में हमारा ट्रेड यूनियन ACTU भी शामिल है और दरभंगा जिला में ACTU से संबंध आप जितनी बैनर ये देख रहे हैं बिजली मीटर ये सारे के सारे आशा रसोईया सभी हड़ताल में शामिल है और सभी का अलग अलग मांग है। खास तौर पर जो स्कीम वर्कर है जिसमें आशा संघ है आशा कार्यकर्ता है ये विद्यालय रसोईया है पशु स्वास्थ्य कर्मी है बिजली मीटर है ये मोबाइल के ट्रैकर है ये सब सारे स्कीम वर्कर है। किसान ऑटो केयर दोनार चौक दरभंगा पेट्रोल पंप के सामने हमारे यहाँ हीरो बजाज होंडा TVS गाड़ी का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है और ओरिजिनल पार्ट्स भी मिलता है। विशेषकर स्कूटी गाड़ी के लिए स्पेशल कारीगर उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी 2 पहिया वाहनों का ओरिजिनल पार्ट्स मिलता है। यहाँ सभी गाड़ी का काम 100 कुशल कारीगर द्वारा मरम्मत किया जाता है। खास करके स्कूटी गाड़ी की विशेष कारीगर द्वारा मरम्मत की जाती है। आगामी गर्मी जल संकट की समस्या को देखते हुए चापाकलों की मरम्मती जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। आगामी गर्मी जल संकट की समस्या को देखते हुए चापाकलों की मरम्मती जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रखंड द्वारा सूचना निर्गत करते हुए कहा कि आगामी गर्मी जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए चापाकलों की मरम्मती जलापूर्ति योजनाओं संबंधित प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए 1 मार्च से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष संख्या 0627220256 है। कि नहीं करिएगा पानी की दिक्कत होगी। पानी का स्कार्सिटी कोई ईस्टर्न में नहीं है कि वाटर टेबल नीचे चला गया है। जब दरभंगा में रियल में वाटर टेबल नीचे जाएगा तो आधा बिहार में बहुत हाहाकार मचेगा। तब आप नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको 2 चीज करना पड़े क्योंकि 526 फीट जो है वो काफी क्रिटिकल होता है। तो वो एक लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको 10 फीट पे जो आप लगा देते हैं जिससे पानी और 10 फीट नीचे से खींचता है मरम्मती में आता है कन्वर्जन करता है उसका वो 10 फीट पे क्या लगाता है। और ब्लॉक में भी आप एक लिस्ट बना के दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में आप शेयर करते हैं जितने आपके इंजीनियर्स हैं जो भी नोडल हैं जो भी कर्मी हैं वो जितने नंबर हैं चाहे वो चापाकल का हेल्पलाइन नंबर हो चाहे वो इसका हेल्पलाइन नंबर हो सारा एक पूरा जितने आपके इंजीनियर हैं जितने पदाधिकारी हैं सबका नंबर बना के दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उसको नलजल के सारे टावर्स पे भी करवाइए और वो लैंडलाइन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। चापा से जिस समस्या है तुरंत वो टीम पहुंच के उसको रिपेयर करें ठीक करें साथ ही साथ जो नलजल का भी है वो वर्किंग इसको सुनिश्चित करा देना। ये आते हैं नगर निगम का तो एडीएम साहब उसमें तो जो था वो हो गया जो सामान आ गया है बोला क्या लगा रहे हैं मिथिला
कृष्णा विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति के समक्ष मंगलवार को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर बैठे कर्मचारी संघ आंदोलन का आयशा ने दिया पूर्ण समर्थन। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति के समक्ष 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर बैठे कर्मचारी संघ के आंदोलन का आयशा ने दिया पूर्ण समर्थन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे धरना पर दर्शन को समर्थन देते हुए आयशा जिला सचिव मयंक कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भ्रष्टाचार से लिप्त कुलपति और कुल सचिव छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्राओं और कर्मचारी आंदोलन के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रही है। कुलपति के गलत नीतियों के कारण आज कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं। 10 सूत्री मांग को अविलंब कुलपति ने नहीं माना तो आयशा पूर्ण समर्थन देते हुए आंदोलन को और तेज करेगा। जो जिस तरीके से छात्रों के ऊपर हमला हो रहा है, आप देखिए माइग्रेशन निकालने आए थे छात्र, उसको माइग्रेशन नहीं मिल रहा है, उसका माइग्रेशन फॉर्म भरने के लिए 5 रुपए का फॉर्म नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से चारों तरफ से जो मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर जो हमला चल रहा है, इधर कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं, कर्मचारी जब धरना पर बैठ जाएंगे तो छात्रों का काम कैसे होंगे। जब छात्र बेगूसराय से, मधुबनी से, समस्तीपुर से, जो अन्य जगह से आए हैं छात्र, उस छात्र बौख रहे पूरा मिथिला विद्यालय के अंदर, तो हमने देखा कि इतनी बड़ी तरीके से जो छात्र परेशान है, तो हमने देखा कि बात करके देखा जाए कि क्या होता है। बात ये है तो बोल रहे हैं कि मैं वेरीफाई कर दे रहा हो जा रहा है, लेकिन वेरीफाई ही मसला नहीं है। आप वेरीफाई करते आपके कॉलेज, जिस कॉलेज के छात्र वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे नहीं होने वाला है। वेरीफाई के बाद भी और सारा बहुत सारा काम होता है, और सारा नहीं कहे वेरीफाई के बावजूद भी छात्रों जिस कॉलेज में उस कॉलेज में जाते हैं तो छात्र वहाँ से निराशाजनक ही हाथ लगता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक लेटर निकालिए और सभी कॉलेज को यहाँ से भेजिए कि उस लेटर में ये होना चाहिए कि छात्र की जो समस्या है उस समस्या को आप कॉलेज से सॉर्ट आउट करिए कि मिथिला विद्यालय नहीं आना पड़े। और छात्र का जो एडमिशन अभी चल रहा है पीजी में, तो एडमिशन के पीजी में अभी थर्ड पार्ट का रिजल्ट निकला लेकिन उसका मार्कशीट नहीं बना है। कोई छात्र कहीं जगह से CLC लेना है, जब मार्कशीट नहीं देंगे तो उसको CLC कैसे मिलेगा? आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है, एडमिशन नहीं। चांद लाइट, यहां सभी शुभ अवसर पर माथा लाइट, फैंसी लाइट, बग्गी एवं रोड लाइट, वेडिंग लाइट, अम्ब्रेला का कार्य उचित मूल्य पर किया जाता है। अच्छे और बेहतरीन काम के लिए हमसे संपर्क करें। पूरा पता है चांद लाइट, नाका नंबर 5, मुक्ति मोहल्ला, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 7004146987। प्रोपराइटर मोहम्मद चांद। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट जिला शाखा दरभंगा के द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं विनोद भारती प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 और 29 तारीख को पूरे देश में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का आम हड़ताल रहा, उसके समर्थन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहा है। उसी सिलसिले में आज हम लोग भी धरना स्थल से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किए हैं, कलेक्टर साहब के समक्ष मांग पत्र देंगे। हम लोगों का जो मांग है वो पहला मांग है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। दूसरा मांग है कि तमाम तरह के संविदा ठेका नियोजन प्रथा पर रोक लगाई जाए और इसके अंतर्गत जो भी कर्मी काम कर रहे हैं उनकी सेवा को नियमित किया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए। इस सहित सरकार का एक नया आदेश आया है, जबरन सेवा निवृत्ति आदेश, हम लोग उसका भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये नियम को वापस लिया जाए सहित 11 सूत्री मांग है। हम 11 सूत्री मांग डीएम साहब को समर्पित करेंगे और अपना धरना प्रदर्शन इसके बाद खत्म करेंगे। हम ट्रेड यूनियंस के हड़ताल के समर्थन में आज ये अपना धरना किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। विनोद कुमार भारती, महासंघ गोपुर, दरभंगा जिला। दलित शोषण मुक्ति मंच की अगुवाई में अटहर गांव दलित पर्चाधारी परिवार द्वारा बहेरी प्रखंड संख्या 90/2022 के दलित उत्पीड़न कांड के सभी अभियुक्तों का अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन।
आज दलित शोषण मुक्ति मंच की अगुवाई में अठर गांव के दलित पर चौधरी परिवार द्वारा बहेरी कांड संख्या के दलित उत्पीड़न कांड के सभी अभियुक्तों का अविलंब गिरफ्तारी करने, धारा 307 और 354 भी लगाने, कांड संख्या 83 का पुनः पर्यवेक्षण करने, घायल सुशीला देवी को समुचित मुआवजा देने की मांग को लेकर वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। वहीं राम सागर पासवान ने कहा कि 11 मार्च को बहेरी थाना के अठर गांव के पर्चाधारी विष्णु राम परिवार पर सामंती हमले हुए। इस मामले में सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हुई। बहेरी कांड संख्या 90/2005 के अभियुक्तों का गिरफ्तार करो। हम लोग इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि महादलितों को वहां सुरक्षा मिले, पर्चे वाली जमीन की सुरक्षा मिले, और गोस्वामी अभी भी वहां महादलित परिवारों को धमकाने का काम कर रहा है। इसलिए हम दरभंगा प्रशासन से, वरीय पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं कि वहां का महादलित परिवारों को सुरक्षा मिले, पर्चाधारी की पर्चे की जमीन की सुरक्षा हो, और जो वहां के महादलितों पर झूठा मुकदमा हुआ है वह मुकदमा उनसे वापस हो, और वहां के जो मुख्य अभियुक्त है जो कांड संख्या 90/2022 से दर्ज है उस अभियुक्त को गिरफ्तार के ओर से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहेरी प्रखंड के आठहर गांव में 11 मार्च को इस समय घटना हुआ था। महादलित पर जब महादलित जब विष्णु राम घर बना रहे थे बच्चा वाली जमीन पर, तो अचानक जो मंदेश्वर मंडल है वहां आकर के हथहरवे हथियार से लैस होकर उस पर हमला कर दिया, और जिसमें सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घायल के दौरान डीएम से इसमें भर के बहेरी प्रखंड में 3 बाइक सवार अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानों के दुकानदार से पिस्टल के दम पर रास्ते में दिया लूटपाट को अंजाम। जहां वही प्रशासन इसका संज्ञान लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करके उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। ठीक है, मेरे पास में दुकान का चाबी था, सोना का जेवर था, ये सोना का नथिया हुआ, सोना का टीका हुआ, कान का एक पॉप्स लरी था, हनुमान जी का लॉकेट था, यही सब था इत्यादि, और जरूरी कागजात भी। जरूरी ये सारा कुछ आपसे छीन लिया गया जबरदस्ती? जबरदस्ती छीन लिया और पिस्टल दिखा दिया। उसके साथ हथापाई भी आपका हुआ था? जी, हल्का फल्का हम जबरदस्ती किया। ठीक है, वहाँ पे ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, इससे पहले भी एक बैंक से पैसा निकाल के और जा रहा था, 11 बजे दिन की बात हम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना, सहरू का रास्ता वही है। अच्छा। सहरू होके वो अपने घर जब जा रहा था इसको छीन लिया, वहाँ भी छीनते हो गया, 1 लाख से ज्यादा रकम था। तो प्रशासन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं? प्रशासन इस पर कोई। बहेरी प्रखंड मंगलवार को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट दरभंगा के पक्ष में मार्च निकाला गया, जिसका अगुवाई माली प्रखंड के सचिव सत्य नारायण मुखिया के नेतृत्व में किया गया। समर्थन में आज बहेरी में भी हम लोग मार्च निकाले। अच्छा। हम लोग मुख्य मांग हम लोगों का था कि गरीबों के लिए जो 5 दशमलव जमीन का वादा किया नीतीश जी, अच्छा, उसमें बास आवास कानून बनावे, गरीबों के घर पर बुलडोजर करना चलाना बंद करे। अच्छा। और जो जहां बसा हुआ है उसका पर्चा दे। साथ साथ बहेरी में मनरेगा में बड़ी पैमाने पर लूट है, और 200 दिन का काम का बात है, 600 रुपया दैनिक भत्ता वेतन का बात है। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम लोग आज बहेरी में मार्च निकाले थे। दरभंगा शहर के स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल अपने वादे और योजना के मुताबिक लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 29 मार्च को विशेष सर्जरी माह का उद्घाटन किया गया। पारस ग्लोबल अस्पताल में विशेष सर्जरी माह का हुआ उद्घाटन। पारस ग्लोबल अस्पताल अपने वादे और योजनाओं के मुताबिक लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 29 मार्च को विशेष सर्जरी माह का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध सर्जन और पारस HMRI अस्पताल पटना में सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर AA हाई हैं। अप्रैल माह को पारस ग्लोबल अस्पताल ने सर्जरी को समर्पित किया है। इसके तहत पारस HMRI अस्पताल पटना और पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा के जनरल सर्जन डॉक्टर शमीम खुर्रम आजमी और टीम मिलकर जटिल सर्जरी अस्पताल में ही करेंगे। इस अवसर पर अस्पताल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर AA हाई ने कहा कि पारस ग्लोबल अस्पताल हर तरह की विश्व स्तरीय जनरल सर्जरी शुरू करने जा रहा है। हेल्थ केयर कॉस्टली होता जा रहा है। एक जमाना था कि जब सर में दर्द होता था किसी के, तो राष्ट्रपति एस्पिरिन खा लो ठीक हो जाओगे,
आज हमारे जो रक्षा चलाने वाले भाई भी आते दिखा रहे हैं, कहते सर सिटी स्कैन करवाइएगा, वो भी जानते हैं कि एक सिटी स्कैन नाम की चीज है जो कि सर दर्द में कभी कभी 1% जरूरत पड़ती है, लेकिन वो तो कैसे इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने का एक तरीका, एक चीज तो हमने बताई कि सरकार को हेल्थ केयर का बजट बढ़ाना होगा, ये 1.2% और 1.5% ये वर्ड हर शब्द धोखा है ये, किंतु इससे काम नहीं चलेगा। अभी तरकिशोर जी ने कहा कि हम लोग आपकी बात माना है, बढ़ाया है, तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। नंबर टू जो बहुत जरूरी है और जिसमें सरकार, इसको भी हम इतनी बार कह चुके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा हमने कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी लानी चाहिए। दरभंगा शहर के राजकुमार गंज स्थित मैक्स मॉल में एक शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा पेंटिंग, गीत, डांस किया गया। दरभंगा राजकुमार गंज स्थित मैक्स मॉल में एक अद्भुत शानदार प्रतियोगिता का हुआ आयोजन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। बच्चों ने पहले पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डांसिंग, सिंगिंग के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतियोगिता से सभी अभिभावकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के दौरान विनर विजेता को जजमेंट ने प्राइज वितरण किया। डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज सिम्मी कुमारी को मिला, वहीं सेकंड प्राइज क्लास 1 के राजा बाबू को मिला। थर्ड प्राइज डांस कंपटीशन में नर्सरी क्लास की छोटी सी बच्ची नजल कुमारी को मिला। ड्राइंग विनर आर्यन भारती को 10,000 का टैब मिला। सभी बच्चों ने अपनी कलाकृति से मैक्स मॉल की गरिमा को सुंदरमय बना दिया और अभिभावकों का मन मोह लिया। हमारे मैक्स ने जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो दरभंगा में लास्ट 2 साल से है और हम हर साल ही ये इवेंट करते आ रहे हैं, बट एक्चुअली ड्यू टू कोविड ये इवेंट नहीं हो पाया था। बच्चों के लिए हम प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमने लिटिल स्टार करके इस बार मैक्स के लिए स्टार्ट किया है, जो हम लोग हर साल करते हैं और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग करेंगे। इसमें आपका 3 कॉम्पिटिशन होता है, जो कि एक ड्राइंग का होता है, फिर सिंगिंग होता है एंड देन फिर डांसिंग होता है। इसमें हर कॉम्पिटिशन में हर बच्चों को कुछ ना कुछ हम प्रोत्साहन के लिए देंगे भी, जैसे आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्लस हम लोगों ने हर कैटेगरी में 3-3 प्राइजेस भी रखे हैं। जैसे फर्स्ट प्राइज हमारा है, वो आप लोग सबको जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइज इंडिया हो गया है, तो हमने उसी को सोच के। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी का दूसरा दिन भी हड़ताल जारी रहा। केंद्र सरकार के जन और मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। LIC कर्मचारी संघ सचिव निशांत सिंह ने बताया कि LIC के द्वारा IPO लाने, सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनियों को बेचने, पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने, श्रम कानून में संशोधन करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण न करने, सभी कर्मचारियों का पेंशन अपडेशन करने, आउटसोर्सिंग बंद करने, सभी ठेका कर्मचारियों और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स नेशनल पेंशन स्कीम समाप्त करने सहित कई मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने कार्यालय को बंद कर प्रदर्शन किया। मौके पर LIC दरभंगा शाखा के सचिव निशांत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट AK आदित्य, संजय कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव झा, अजय गणेश चौधरी, पूजा रानी, अंचल भारद्वाज सहित दर्जनों कर्मी उपस्थित थे। चारों तरफ महंगाई छाए हुए है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, किसी भी चीज का दाम नीचे नहीं उतर रहा, सबका बढ़ ही रहा है। इसलिए हम लोग ये गुजारिश कर रहे हैं, जो LIC इतनी बड़ी संस्था है, जो आज गवर्नमेंट को कर्जा भी दे रहा है और गवर्नमेंट इसके कर्जा पर लदे हुए है, फिर भी इसको प्राइवेट करने की साजिश चलाई जा रही है। हम लोग का मांग है जो LIC का IPO वापस लिया जाए, पेंशन 1995 का जो स्कीम था उसी पर लागू किया जाए, हर एक आदमी को पेंशन जो 1995 का हिसाब से दिया जाए, न्यूनतम मजदूर का मजदूरी 25,000 होना चाहिए, बैंक जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है उसको प्राइवेट करने जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, इसको रोकने के लिए वेतन में पुनः निरीक्षण किया जाए, ओल्ड जो भी पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, इसी का आह्वान दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ? AK आदित्य, बेस वाइस प्रेसिडेंट दरभंगा ब्रांच। दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे CTV मिथिला।